धमकी क्यों? ये छोड़िए मेरे धमकी से, क्या हमको तो बच्चे से धमकी मिलता रहता है। ये तेवर है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से आई धमकी के बाद की है। अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना बच्चे से करते हुए कहा कि उन्हें बच्चों से धमकियां मिलती रहती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। कोई भी माफिया, अपराधी, दादा, नाना, हमको किसी के निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मारो, बाबा सिद्दीकी को मारे हो, सलमान को मारो और अब्राहम को मारो, जिसको जिसको मारना हो मारो, लेकिन मैं अपना दायित्व तो करूंगा ना भाई। सरकार को मैं जगाऊंगा ना कि ये गलत है। किससे किसकी निजी दुश्मनी है, पप्पू यादव को कोई लेना देना। पहले भी लोगों ने सबको मारा है, पहले भी बिहार में घटना घटित होती रहती है। फिर छोड़िए मेरे धमकी से, क्या हमको तो बच्चे से धमकी मिलता रहता है। यही नहीं, पप्पू यादव ने तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यहाँ तक कह दिया कि मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। साथ ही गैंगस्टर को चैलेंज करते हुए ये भी कहा कि जब तक जिंदा हूँ अपनी बात करता रहूंगा। अभी मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को। आपको क्यों आप लोगों को मिर्ची चढ़ी हुई है किसी दादा नाना के भाई, और मैं किसी व्यक्ति विशेष को जानता ही नहीं हूँ और ना जानना पसंद करता हूँ। मैं आम जनता के बीच हूँ, कौन सी सुरक्षा है? कोई आएगा मार देगा, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? मेरे मरने से मेरे देश मर जाएगा क्या? वो मेरे मरने से देश मर जाएगा तो मार दो आकर के। लेकिन मैं जिंदा जब तक हूँ तब तक किसी भी जाति धर्म वर्ग के विचारों पर और उसके जीने के तरीके पर हमला होगा तो मैं सच्चाई बोलूँगा। बता दें कि लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा कि उनकी हत्या किसी भी समय हो सकती है और सुरक्षा की मांग की थी। पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला और कहा जो सत्ता के साथ है सुरक्षा उनके ही साथ है। जब आप सुधीर चौधरी पत्रकार को, कंगना को, रंगना को आप जड़ देते हो, सुरक्षा भी सत्ता और विपक्ष के मानक से होता है क्या? सत्ता और यदि आप सत्ता के साथ खड़े हो और सत्ता के लिए जीते हो तो सुरक्षा, और यदि आप सच्चाई के लिए जीते हो और सच्चाई की बात करते हो तो नो सुरक्षा। बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्या और सलमान को मिल रही धमकियों के दौरान पप्पू यादव ने ओपन चैलेंज करते हुए कहा था कि जेल में बैठा एक अपराधी सरकार को चुनौती दे रहा है, हत्या कर रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। साथ ही कहा था कि अगर कानून इजाजत देता है तो मैं 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव के इस ओपन चैलेंज के करीब 2 हफ्ते बाद लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव को कॉल करके धमकी दी, जिसके बाद पप्पू यादव ने इशारे इशारे में लॉरेंस को बच्चा बताते हुए कहा कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।